बंगाल की ममता सरकार एक बार फिर ईडी के निशाने पर है। शुक्रवार को सरकार में नंबर दो की हैसियत रखने वाले पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी ने 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। इसके बाद ईडी ने लंबी पूछताछ के बाद पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने ममता के करीबी मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 24 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने ये कार्रवाई की है। ईडी ने पार्थ के अलावा उनकी करीबी अर्पिता को भी हिरासत में लिया है। ईडी चटर्जी को कोलकाता ऑफिस ले गई है। पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ भी तैनात की गई है। दरअसल शुक्रवार को ईडी की कई टीमों ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से ईडी को 20 करोड़ रुपए कैश मिले थे। अर्पिता के घर से कैश बरामद होने के बाद शुक्रवार रात 11 बजे ईडी की एक टीम पार्थ के घर पहुंची। रात भर पूछताछ के बाद शनिवार को सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। दरअसल पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। इस भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए दो कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। ईडी से पहले सीबीआई ने चटर्जी से 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ की थी। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथों में चला गया। वहीं पार्थ चटर्जी पर ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपना ली है। पार्टी नेता अभी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootr.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।